स्वागत है और मैं रेखा जैन ली चलती हूँ आज के मुख्य समाचारों की ओर। लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु दिया ज्ञापन, बाल वैज्ञानिकों ने कराया अपने प्रयोगों से रूबरू, भालनी में प्रशासन ने रुकवाया मृत्यु भोज, यातायात प्रबंधक हेतु पुलिस ने लगाए रेडियम, आदिवासी नेता पड़ियार हुए जनसभी न्यूज से रूबरू, पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग, युवा कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र का हुआ विस्तार, होली के पर्व को लेकर सीएजी बैठक आयोजित, सूचना प्रौद्योगिकी के भाटी को दी विदाई, मोदरान में करंट लगने से युवक की मौत, मोर्सी में अज्ञात चोरों ने फिर तोड़ा एटीएम, विद्यार्थियों को परीक्षा हेतु बधाई देकर दी विदाई। अब समाचार विस्तार से। लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु दिया ज्ञापन। पिछले दिनों जालोर जिला मुख्यालय पर व्यापारी के साथ की गई लूट के आरोपियों को पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के क्रम में आज व्यापारी संघ ने 2 घंटे तक बाजार बंद रखकर विरोध करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान बाजार के समस्त व्यापारीगण मौजूद थे। पिछले काफी समय से जालोर में चोरियों की वारदात बढ़ रही है और जब से थाना यहाँ से बाहर निकल गया तब से कुछ विशेष तौर से ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पुलिस कर्मी पहले आते थे जब तो कोई चोरियाँ होती नहीं थी, ठीक है, ताले टूटना और सरेआम लोगों को लूट करके ले जाना। बाल वैज्ञानिकों ने कराया अपने प्रयोगों से रूबरू। जालौर के मलकेश्वर मठ मंदिर परिसर में बाल विज्ञान मेला आयोजित हुआ, जिसमें बाल कलाकारों ने अपने हुनर को निहारते हुए अपने वैज्ञानिक दिमाग की कृति का प्रदर्शन किया, जिसका शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अवलोकन कर प्रदर्शनियों को सराहा। इसी तरह विजयवाड़ा से पर्व शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय वन टाउन स्थित MSR इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में नेशनल विज्ञान दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में पधारे JC राव की आतिथ्य में प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया गया। प्रदर्शनी में स्कूल के छात्र छात्राओं ने अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार कर दिखाए, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल कूलर हीटर, फ्यूचर एनर्जी एवं हाइड्रोजन ब्रिज रिमोट कार आकर्षक का केंद्र रहे हैं। इस अवसर पर पधारे अतिथि छात्र छात्राओं के अभिभावक, स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षकगण उपस्थित होकर छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। भालनी में प्रशासन ने रुकवाया मृत्यु भोज। बागुड़ा से रिग्मलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार भालनी में एक समुदाय के परिवार में महिला की मौत पर मंगलवार को मृत्यु भोज का आयोजन करने की जानकारी मिलने पर प्रशासन व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लगे टेंटों को हटवाते हुए पाबंद कर मृत्यु भोज को रुकवाया। तहसीलदार सुमेर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि भालनी निवासी कवरा राम पुत्र भट्टा राम जाति बिश्नोई के यहाँ उसकी माता जी गौरी देवी की स्वाभाविक मौत होने के बाद बाहरवे के दौरान मृत्यु भोज बनाने की जानकारी मिलने पर उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी ने निर्देशन में पुलिस सहायक उप निरीक्षक मांगीलाल बिश्नोई मई चपता के भालनी पहुंचे, जहां शोकाकुल परिवार द्वारा टेंट लगाए मिलने पर तुरंत हटवाए गए। वहीं कवराराम बिश्नोई को पाबंद करने के बाद भी पुलिस व प्रशासन प्रातः 11:30 से लेकर 2:45 बजे तक मौके पर ही रहे। कार्यवाही के दौरान सरपंच अंबाराम मेघवाल भालनी, भू अखिलेख निरीक्षक वीर सिंह चौपावत धुमड़िया, दफादार अर्जुन मकवाना व पुलिस जवान मौजूद थे। यातायात प्रबंधक हेतु पुलिस ने लगाए रेडियम। सदाराम माली की रिपोर्ट के अनुसार साइला में यातायात पुलिस द्वारा थाना अधिकारी नरपत सिंह के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के क्रम में वाहन चालकों को वाहन संचालक के दौरान नियमों का पालन करने, मोबाइल पर बात नहीं करने, चौपाया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग करने सहित हिदायत दी। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रुकवा कर उन पर रेडियम लगाते हुए उनके फायदों की जानकारी दी। आदिवासी नेता पड़ियार हुए जनसभी न्यूज से रूबरू। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरसिंह पड़ियार वीर सांचौर से की जनसभी न्यूज संवाददाता कांतिलाल मेघवाल उम्मीदाबाद ने उनके निवास स्थान सांचौर में की। सर्वप्रथम जनसमय न्यूज की टीम का मेरे घर पर स्वागत है तथा मैं नरसिंह पटियार जाति भील राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय। राजनीति में आपका पूरा परिचय है, जनसमय न्यूज के साथ में आप साझा कीजिएगा।
अब राजनीति के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि साल होने के बाद आज भी जस के तस जैसी हालत में पहले थे, आज भी वैसी हालत में है। जी बिल्कुल नरसिंह जी प्रजा साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार की जो इच्छा है या सरकार ऐसा कहा जाए कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासनिक अमले हैं, जनप्रतिनिधि अमले हैं, वो भील समाज की अर्थात कहे को SC ST जो कास्ट के बिलोंग जो बिलोंग करते हैं उनकी कोई नरसिंह पड़िया भील ने कहा कि जहाँ तक उनका राजनीतिक अनुभव है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भील समाज एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अपने बलबूते से यहाँ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीतकर जाती है और चुनाव जीतने के बाद भील समाज एवं अन्य समाजों को कई वादे करते हैं लेकिन उन वादों पर दोनों पार्टियां खरी नहीं उतरती हैं। उन्होंने बताया कि आज आजाद हुए 70 साल से भी अधिक समय हो चुका है लेकिन भील समाज सहित कई बहुजन जातियों की स्थिति जस की तस है। आज भी उनके साथ मारपीट व शोषण जैसी वारदातें होती हैं लेकिन सरकार उनकी रोकथाम नहीं कर पाती। वहीं देश में पनपी हुई कई समस्याएं उनका भी निराकरण अनिवार्य है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जनसमय न्यूज। वीरेंद्र पाल सिंह जोधा सरपंच ग्राम पंचायत तीखी पंचायत समिति साइला जिला जालौर की ओर से होली के पावन पर्व पर सभी जिले वासियों एवं देश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर 9414128812। नगर पालिका अध्यक्ष ऋचा मेघवाल, नगर पालिका आयुक्त श्री शिवपाल सिंह राजपुरोहित, समाज सेवी श्री धर्माराम परमार कोठोल एवं समस्त पार्षद नगर पालिका सांचौर जिला जालौर की ओर से समस्त जिले वासियों एवं देश वासियों को रंगों का त्योहार होली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्व सांचौर विधायक श्री जीवाराम चौधरी, श्री रोहित मेहता, श्री सुमेरमल जैन और श्री लक्ष्मीचंद जैन की ओर से होली एवं रंगों के पावन पर्व पर आप सभी जिले वासियों एवं देश वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। फैक्ट्री राजस्थान पावर जेन ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड, बिनवाल रोड, फारोला, सांचौर, जिला जालौर, राजस्थान। रंगों का त्योहार होली के पावन पर्व पर साबिर भाई पठान मुस्कान ट्रैवल्स की ओर से सभी जालौर वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीनाथ ट्रैवल्स द्वारा हमारी सेवाएं जालौर से हैदराबाद वाया राम से, मुस्कान ट्रैवल्स महापत नगर कालंद्री सिरोही, वही श्रीनाथ ट्रैवल्स अहमदाबाद बड़ौदा धूलिया औरंगाबाद जालना नांदेड़ निजामाबाद सिकंदराबाद एवं हैदराबाद, सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार रविवार मंगलवार। शाबिर भाई पठान मुस्कान ट्रैवल्स रामसिंह जिला जालौर। मोबाइल नंबर 9928264557। होली के पावन पर्व पर सरपंच श्री पुनमाराम देवासी, उप सरपंच श्री नाथाराम देवासी, ग्राम सेवक श्री रामाराम चौहान एवं समस्त वार्ड पंच ग्राम पंचायत जालीरा खुर्द पंचायत समिति रानीवाड़ा जिला जालौर की ओर से समस्त क्षेत्रवासी जालौरवासी एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मोहन लाल चूड़ा की ओर से जालौर वासियों एवं देश वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर 9460295 9983135895। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों सियाणा निवासी कृष्ण कुमार मेघवाल ने अपने चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए पुलिस थाना बागरा में 500 रुपए की रिश्वत देने का वीडियो बनाने से गुस्साए पुलिस वालों द्वारा उसके साथ मारपीट और झूठा प्रकरण बनाकर गिरफ्तारी करने के आरोप में संबंध में कृष्ण कुमार द्वारा उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देने पर मुकदमा दर्ज नहीं करने से मानसिक तनावग्रस्त होने से कल उसकी तबियत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन है। रिपोर्ट देने के 5 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होने पर बहुजन समाज का एक प्रतिनिधि मंडल ने आज गृह मंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया को सौंपा। इस दौरान मंचाराम जोगसन, ब्रजेश कुमार, भगवानाराम मंडौला, मनोहर लाल राणा,
किशन, कमलेश, जोंटाराम, जयंतीलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। युवा कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र का हुआ विस्तार। कांतिलाल मेघवार की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना के निर्देशानुसार लोकसभा अध्यक्ष आम सिंह परिहार ने पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल की अनुशंसा पर लोकसभा क्षेत्र जालौर सिरोही की कार्यकारिणी का विस्तार किया। प्रवक्ता टिकमा राम भाटी ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए रंजीत सिंह तालियाना, मांगीलाल राजपुरोहित को लोकसभा महासचिव नियुक्त किया गया। वहीं मेसाराम तिलोड़ा और पृथ्वी सिंह भाटी उमेदाबाद को लोकसभा सचिव पद पर नियुक्त किया। टिकमाराम भाटी ने बताया कि इसी तरह जालौर विधानसभा से पारसाराम मेघवाल तालियाना और सुरेश कुमार रोहिनवाड़ा को विधानसभा महासचिव नियुक्त किया। आमराम सिंह परिहार ने बताया कि इन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की मजबूती हेतु सक्रिय भूमिका निभाई है। इस कारण भारतीय युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी को और मजबूती प्रदान करने हेतु नियुक्ति प्रदान की गई। इस दौरान सुरेश कुमार भाटी, भरत कुमार, मोड़ाराम रूपसी, राजेश बिश्नोई चितलवाना, केरू कोमता सहित कई कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की। होली के पर्व को लेकर सीएजी बैठक आयोजित। भीनमाल से चिराग प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार होली के पर्व को लेकर सीएजी की बैठक मंगलवार को उपखंड अधिकारी दौलतराम चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक धीमाराम बिश्नोई, नगर पालिका अध्यक्ष सांवलाराम देवासी व थानाधिकारी कैलाश चंद्र मीणा की मौजूदगी में आयोजित हुई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी दौलतराम चौधरी होली के पर्व पर शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, सार्वजनिक व भीड़भाड़ वाले स्थान पर शराब का सेवन नहीं करने, केमिकल युक्त रंग का उपयोग नहीं करने और गुलाल डालकर व मिठाई खिलाकर होली के पर्व मनाने की बात कही। पुलिस उप अधीक्षक धीमाराम बिश्नोई ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद है, इसके बावजूद आम नागरिकों का सहयोग जरूरी है। बिश्नोई ने होली पर्व पर आयोजित होलिका दहन, धुलंडी व घोटा घेर के द्वारा कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। इसी प्रकार रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में पुलिस विभाग की ओर से क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों की बैठक थानाधिकारी घेवर सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें थानाधिकारी ने बताया कि होली के अवसर को देखते हुए शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस सख्ती से काम करेगी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार कल्पेश कुमार, वाक सिंह पुनक कला, धर्म नारायण अग्रवाल, वार्ड पंच विजराज प्रजापत, ओम प्रकाश अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे। सूचना प्रौद्योगिकी के पार्टी को दी विदाई। जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जालौर के उप निदेशक मनीष भाटी का स्थानांतरण संभाग स्तरीय कार्यालय डिजास्टर रिकवरी सेंटर जोधपुर होने पर उन्हें विदाई दी गई और नव पदस्थापित पर उप निदेशक रतन लाल का स्वागत किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर बी एल कोठारी ने कहा कि एसीपी भाटी संवेदनशील अधिकारी थे, जिन्होंने ई गवर्नेंस योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए अनुकरणीय बताया। एसीपी मनीष भाटी ने कहा कि विभाग की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए टीम वर्क के रूप में कार्य करना महत्वपूर्ण है। इस दौरान जिला परिषद सीईओ हरिराम मीणा, कोषाधिकारी कनाराम प्रजापत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश सोलंकी, जिला सूचना अधिकारी संजय रामदेव, लेखाधिकारी रोहिताश्व कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कई जिला स्तरीय अधिकारी और सूचना प्रौद्योगिकी के समस्त अधिकारी कार्मिक उपस्थित थे। मोद्रान में करंट लगने से युवक की मौत। मोद्रान से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय श्री आशापुरी माताजी से मोद्रान गांव जाने वाले मार्ग पर बुधवार को अल सुबह एक युवक की करंट लगने से मौत होने की जानकारी मिली। पुलिस चौकी प्रभारी दीप सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मोद्रान गांव में पुराने पशु चिकित्सालय के पास मेन रोड पर लगे ट्रांसफार्मर के पास से गुजर रहे खरगा राम उर्फ गोपा 35 वर्षीय पुत्र बोटा राम सरगरा निवासी बोटा हाल मोद्रान की सुबह 4 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकला था, जहां पर ट्रांसफार्मर के पास होकर गुजर रहा था। उस दौरान करंट लगने से मौत हो गई है। पुलिस को मृतक के मामा मांगीलाल बाबरा जी सरगरा ने रिपोर्ट देकर पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस ने मृतक का भीनमाल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मौसी में अज्ञात चोरों ने फिर तोड़ा एटीएम। बाबुड़ा से रिमलदान राव की रिपोर्ट
के अनुसार पुलिस थाना क्षेत्र के मोरसेन गांव में एसबीआई बैंक का एटीएम मशीन को बीती रात अज्ञात चोरों ने दूसरी बार और तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उपखंड मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर मोरसेन गांव में एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन को मंगलवार रात में अज्ञात चोरों ने चोरी की नीयत से तोड़ दिया, लेकिन नकदी ले गए हैं या नहीं ये जानकारी मैकेनिकल टीम आने के बाद ही पता लग पाएगा। सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात चोर एक फोर व्हीलर में आए और रात 2:54 पर एटीएम कक्ष में घुसे थे, जो 4 से करीब वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर निकल चलते बने, जो फुटेज में कैद है। चोरों के पास कटर मशीन व गैस सिलेंडर भी लेकर अंदर गए थे। शाखा प्रबंधक नैमिचंद भंडारी ने अज्ञात चोरों द्वारा एटीएम मशीन तोड़ने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा पंजीबद्ध कर अज्ञात चोरों को खोजबीन में जुट गई है। विद्यार्थियों को परीक्षा हेतु बधाई देकर दी विदाई। परीक्षाओं के आगमन पर विद्यार्थियों को वर्ष भर अध्ययन के बाद अब पुनराभ्यास करने हेतु जिले भर के विद्यालय से बधाई देकर शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं। इसी क्रम में परशुराम जोमोड़ी की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवतड़ा के 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्कूल द्वारा विदाई दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने 39 बच्चों को विदाई समारोह में कहा कि आगे जाकर अच्छे अंकों से पास होने एवं लक्ष्य को प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। इसी तरह बागोड़ा से रिद्मदान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदिया में मंगलवार को विद्यार्थियों को विदाई के साथ शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजयुमो जिलाध्यक्ष एवं एडवोकेट हिंगलास दान चारण ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तय कर मेहनत करनी चाहिए और जीवन में बिना कठोर मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। प्रधानाचार्य रघुवीर सिंह चारण ने कहा कि हमें कठोर परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। इस अवसर पर व्याख्याता राजेश कुमार मीना, छेदा चारण, राकेश मीना, नारायण प्रसाद शर्मा, जोगाराम चौधरी, गोधन राम सहित कई ग्रामीण व विद्यार्थी मौजूद रहे। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय कोमटा में भी विदाई समारोह आयोजित किया गया। वहीं जानकारी के अनुसार प्रधानाचार्य ने इस मौके पर 12वीं के विद्यार्थियों को माला पहनाकर व तिलक लगाकर बच्चों को सीख देते हुए कहा कि हर पल मेहनत करके अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करने की बात कही। वहीं चितलवाना से रफीक खान की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के माध्यमिक विद्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की बात के साथ शुभकामनाएं देकर विदाई दी। इस दौरान सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक उप सिंह चौहान, देवी सिंह व सहित सभी स्टाफगण मौजूद थे। इसी तरह क्षेत्र की जोधावास महावीर बाल विद्या मंदिर झाप, विवेकानंद बाल विद्या मंदिर झाप सहित कई निजी व सरकारी विद्यालयों में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसी क्रम में आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामुजा में वार्षिकोत्सव एवं विद्यार्थियों का विदाई समारोह मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी जालोर राजेंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लक्ष्य का निर्धारण कर सतत एवं समग्र अध्ययन किया जाए तो सफलता निश्चित है। एडीपीसी रमसा श्री प्रकाश कुमार चौधरी ने कहा कि सर्वांगीण विकास हेतु विद्यार्थियों को शैक्षणिक के साथ साथ प्रशिक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। इस दौरान सहायक लेखाधिकारी राम गोपाल बिश्नोई, समंदर सिंह चांदना, प्रधानाचार्य धनराज, बैंक मैनेजर नरपत सिंह, भगवंत सिंह सहित अतिथिगण मौजूद रहे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालौर शहर का आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।